please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया। मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बड़े प्रमुख और क्या कहूं प्रख्यात वास्तु एक्सपर्ट पवन कौशिक जी, पंडित पवन कौशिक जी। पवन कौशिक जी, आपका स्वागत है रियल्टी मीडिया के शो में। मैं आपसे जानना चाहूँगा वास्तु के बारे में। वास्तु जो नई जनरेशन आ रही है वो वास्तु के महत्व को भूलती जा रही है, लेकिन घर में वास्तु का एक बहुत ही महत्व होता है। घर का जो घर की जो संरचना होती है उसमें एक वास्तु अहम हिस्सा होती है उसका, कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, किस दिशा में घर होना चाहिए, किस दिशा में दरवाजे होने चाहिए। तो उसके बारे में आप बताइए कि वास्तु क्यों ज़रूरी है घर में। जी बिल्कुल, मेरा एक ही मानना है, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे वास्तु, हमने एक शब्द बार बार सुना होगा, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस का एक ही अर्थ है कि पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, हम ये मानते हैं कि पांचों तत्व मिलके कोई न कोई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी नकारात्मक भी हो सकती है, वो एनर्जी सकारात्मक भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश ये रहती है कि वो सकारात्मक एनर्जी का जितना हो सके उतना प्रयोग करे। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर के एनर्जी बैलेंस को जब भी हम करना चाहते हैं तो गणना के उस विज्ञान को या एनर्जी को ठीक करने के उस विज्ञान को हम ज्योतिष कहते हैं। और अगर वही पद्धति का प्रयोग हम घर के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, अगर किसी भी भवन के लिए करते हैं तो उसे हम वास्तु कहते हैं। वास्तु का सीधा सा एक ही अर्थ मैं मानता हूँ, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारा ये मानना है, ज्योतिष विज्ञान ये मानती है कि प्रत्येक कण पाँच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से है वो ये प्रदर्शित करती है कि उसकी एनर्जी में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी कितनी होगी। जब भी हम इसको बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी का हमें लाभ मिलता ही मिलता है। और एनर्जी बैलेंस से अगर हम घर की करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि सभी सदस्यों के लिए वो सकारात्मक प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती है। आप किसी भी कण को ले लीजिए, मान लीजिए उसमें पाँचों एनर्जीज किसी एक विशेष परिस्थिति में मौजूद हैं तो उसमें या तो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। जीवन में हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी सदैव हमारे साथ रहे। पॉजिटिविटी से होता क्या है एनर्जी बैलेंस से, कि एनर्जी बैलेंस आपके भाग्य को प्रभावित करती है, आपके भाग्य को जागृत करती है। और भाग्य जागृति का एक ही अर्थ मैं मानता हूँ, वो अर्थ है हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं, आपकी एनर्जीज काम कर रही हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड हैं। अगर आपके घर की एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, इसका अर्थ यह मान लीजिए कि आपका घर माँ की गोद के जैसा हो जाता है। कोई बच्चा कितना भी रो रहा हो वो माँ की गोद में आके सुकून महसूस करता ही करता है। अगर आपका घर वैसा ही बन जाए, अगर आपके घर में सुकून हो, शांति हो, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, धन का प्रवाह आपके घर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग अपने घर के विकास के लिए कर पाएगा। वास्तु के अंदर घर की क्या क्या चीज़ें आती हैं ये थोड़ा बताइए आप हमें। देखिए, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं तो एक ही चीज़ को मानता हूँ, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। अगर आपका रसोई घर है उसको हम अग्नि तत्व प्रधान मानते हैं, इसीलिए हम रसोई घर ज़्यादातर साउथ ईस्ट में बनाते हैं, आग्नेय कोण में। तो घर में अगर एनर्जीज का बैलेंस करते हो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी बड़ी आवश्यक हैं कि आपके घर की रसोई कहाँ पे है, इसके अलावा आपके घर का पूजा घर कहाँ पे है, आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ पे है, आपके घर में पानी की क्या व्यवस्था है, वायु की क्या व्यवस्था है। इन चीज़ों का ध्यान आपने घर में रख लिया तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका घर वास्तु सम्मत कहा जाएगा। शुक्रिया पवन जी, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी वास्तु के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वास्तु का क्रेज़ क्या लोगों में घट रहा है? जो नई जनरेशन आ रही है क्या उसे वास्तु का महत्व पता है? आपके पास लोग आते होंगे, आपको बताते होंगे, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे मानव विकास की ओर अग्रसित होता है, जैसे जैसे धन का प्रभाव बढ़ता है, जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता है, तो कहीं न कहीं धर्म भी बढ़ता है, धर्म का प्रभाव भी बढ़ेगा। क्योंकि भौतिकवाद की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर मानसिक रूप से कोई भी परेशान है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनर्जी बैलेंस का एक ही अर्थ है, हैप्पीनेस। उसका अर्थ ही हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस के लिए आपको एनर्जीज को तो बैलेंस करना पड़ेगा,
आप किसी भी माध्यम से करें, आप ज्योतिष के माध्यम से करेंगे आप अपने शरीर की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, आप वास्तु के माध्यम से करेंगे तो आप अपने भवन की, अपनी बिल्डिंग की एनर्जीज को बैलेंस कर पा रहे हैं। शुक्रिया कौशिक जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हमें कौशिक जी ने बताया कि अगर आपको घर में खुशी चाहिए, अपना जीवन खुशहाल चाहिए, घर में आके सुकून चाहिए, तो उसके लिए आपको वास्तु की मदद लेनी पड़ेगी और ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी कि आपके घर में मंदिर किधर है, किचन किधर है और मुख्य द्वार किधर है। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए रियल्टी मीडिया से। राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन शुभी गोयल के साथ। वास्तु से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं पंडित पवन कौशिक जी से रियल्टी मीडिया के माध्यम से।